हाय फ्रेंड, मैं हूं केदार। वेलकम टू गधा मेथड। आज मैंने आपके लिए लेके आया हूं आरसी रीडिंग कंप्रेंशन, जो एसबीआई आईबीपीएस 2021 में जिस पैटर्न का एग्जैक्ट क्वेश्चन आने वाला है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेके आया हूं। थोड़ा टफ लेवल है, एडवांस क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ के मारेंगे। हमें भी जिस तरह हम मार रहे हैं, आप भी उसी तरह फॉलो करिएगा। आजकल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा है, क्वेश्चन आपका लिमिटेड कर दे रहा है, लेकिन जो पैसेज है जितना बड़ा था लगभग उतना बड़ा देता है, उसे थोड़ा कम देता है और ज़्यादा थीमाटिकली देता है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि पैसेज का हर एक चीज़ आपको बताने। चलिए मैं वही प्रोसीजर फॉलो करूँगा, पहले क्वेश्चन देखेंगे फिर हम पैसेज को आएंगे। चलिए शुरू करते हैं, पहले चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन पे जो लिखा है व्हाट डज ऑथर मीन बाय दे हैव गॉट द मिलेनियल पैराडॉक्स कॉन्टेक्ट विथ। तो हम लोग को बहुत सारे मीनिंग इसे समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमको देखना है ये है कहाँ, बट इसका एक्चुअली आंसर है कहाँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सर ये है कहाँ और इसका एक्चुअली आंसर कहाँ मिलेगा। आप सोचेंगे सर पैसेज तो है ही नहीं, हम लोग कैसे निकालेंगे। मैं आपको बोल देता हूँ, पैसेज मैंने गधा मेथड का फेसबुक में छोड़ा हूँ और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी ये पैसेज छोड़ा हूँ, पूरा फोटो करके पीडीएफ करके। आप वहाँ जाके इस पैसेज उठा सकते हैं और मैं इसका सोल्यूशन यहाँ दे रहा हूँ, देखते जाइए। सर यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा ये कहाँ है पहले देखेंगे, फिर इसका मीनिंग निकालेंगे जो ऑथर पूछा है। चलिए देखते हैं इसका मीनिंग क्या होगा। सर एक्चुअली यहीं पे देखो लिखा गया दे हैव गॉट द मिलेनियल पैराडॉक्स टू कंटेंड विथ। पैराडॉक्स का मतलब होता है कंफ्यूज। ये दे हैव गॉट द मिलेनियल, पहले हमको जानना पड़ेगा मिलेनियल कहाँ है क्या है, फिर हम ये सारे आपको एक्सप्लेन करा देंगे। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, जहाँ क्लियरली बताया मिलेनियल कहाँ है और क्या है और ये क्यों लिखा। वो लोग ये जो कंटेंट है ये कंटेंट का हिसाब से खुद कंफ्यूज है, इसका स्टार्टिंग पार्ट में जाएंगे क्योंकि यहाँ हमको आंसर नहीं मिलेगा। अभी ये खाली आपको पैनोरामा दिया गया, उसका ऊपर आपको आंसर मिलेगा। पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा एक्चुअली मिलेनियम है क्या। मिलेनियल जो लिखा गया यहाँ पे लोग सोचेंगे ये बड़े धनी लोग है, ये धनी लोग नहीं है। ये लिखा गया एक कैटेगरी लोग हैं जिनका उम्र 20 से 40 का बीच में होता है, और ये कब जन्म लिए थे ना, जैसे हमारा कैलकुलेशन हिसाब से 1980 से 2000 का बीच में ये लोग जन्म लिए थे। तो इसी को हम लोग निकालते हैं मिलेनियल्स, इसको याद रखिएगा, मतलब यंग जनरेशन जिसको आप बोलिएगा। अब यहाँ पे देखो आपको आंसर दिया, एक सर्वे कंडक्ट किया जहाँ ये लोग प्रायोरिटी देते हैं शॉर्ट टर्म स्पेंडिंग। सर शॉर्ट टर्म स्पेंडिंग मतलब जो उनको अच्छा लगता है, जैसे एंजॉय करना, मजा करना, मस्ती करना, उसमें ज़्यादा खर्चा करते हैं, बट लॉन्ग टर्म सेविंग का ऊपर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। यही इसमें लिखा गया पर्टिकुलरली। इसका मतलब जहाँ पे लिखा गया ना अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन, अगर बंदा को हिसाब देखा जाए वो अगर 800 यूरो सेव करता है तो वो 30,000 एनुअल सैलरी में उसको बड़ी सेव हो जाएगा जब वो 65 साल में रिटायर्ड करेगा। बट यहाँ पे जो लिखा गया दे टू बिजी बाइंग ग्रोसरी, वो लोग अपना खर्चा ग्रोसरी पेइंग रेंट, और जो लोग अपना खर्चा है जिसको उनको प्रायोरिटी लगता है उसमें खर्चा करते रहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ऑथर का मोटो जो चलता है, इसमें जो ऑथर लिख बताया गया इस पैसेज में, इसमें सेविंग का ऊपर बात किया जा रहा है, क्योंकि ऑथर को बिल्कुल पसंद नहीं है कोई बंदा इतना खर्चा करे, जो स्टार्टिंग पैराग्राफ से हम गेस कर रहे हैं। तो बेसिक मोटो पैसेज है कि बंदा सेविंग क्यों नहीं कर रहा है। देखो थोड़ा आगे हिंट्स भी दे दिया कि उनको वो सेव करना जरूरी है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया शुड सेव। तो यहाँ पे पैराग्राफ क्या बता रहा है ना, वो लोग खर्चा करते जा रहे हैं, पैराग्राफ का मोटो है उनको बताने का कि सेव करना जरूरी है। अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन क्या है ना, हमारा क्वेश्चन है इसका मतलब कंटेंट हमको पता चला। क्या कंटेंट पता चला ना, वो लोग खुद कंफ्यूज हैं कि सेव करें या खर्चा करें, उसी का ऊपर वो लोग कंफ्यूज है। इसका मतलब ये पैराग्राफ हमको समझ में आ गया, दे गॉट कंफ्यूज कहाँ ऊपर, ना वो खर्चा करें ना सेव करें, इसी का ऊपर कंफ्यूज है। अब हमको चलते आंसर को चलते हैं। सर आंसर में क्या दिया गया, स्टार्टिंग में लिखा गया वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपना डिमांड को
काम नहीं कर पा रहे हैं। जब उनको व्हाइल मतलब जब उनको पता है कि उनको सेव करना जरूरी है, दे टू हैव टू सेव, उनको सेव करना है रिटायरमेंट डेज के लिए, बट उनको पता है फिर भी वो सेव नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब है ये पैराग्राफ यही होगा आंसर। दूसरा वाला में मैं आपको बोल देता हूँ, ये हमारा बेसिक मोटो है पैराग्राफ का जो आपको दिया गया सेंटेंस, दैट मिलेनियंस पैराडॉक्स द कंटेंट विद, इसका ऊपर वो लोग खुद ही कन्फ्यूज करेंगे क्या। अब चलते हैं सर ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया। एक्चुअली बी में जो दिया, मैं भी थोड़ा बोल देता हूँ आपको, बी में दिया मिलेनियल मतलब जो यंग जनरेशन वो खुद ही कंफ्यूज है, कॉन्ट्राडक्टरी मतलब कंफ्यूज, काउंट्री इंटूसिएसिव इसका मतलब भी कंफ्यूज होता है, और डाउन राइट कन्फ्यूजिंग, डाउन राइट मतलब होता है कंप्लीट कंफ्यूजिंग, ऐसा कुछ नहीं दिया वो क्लियरली नंबर ए में बताया, बट ये आधा अधूरा बताया, किस चीज़ का कन्फ्यूजन मेंशन नहीं किया, बट ए में मेंशन किया है। तीसरा वाला, मिलेनियंस हैव टू स्ट्रगल विद द फैक्ट, उनको फैक्ट को लेकर स्ट्रगल करना है, दे आर ए जनरेशन फेस्ड विद कॉन्ट्रडक्शन, वो ऐसा जनरेशन है जो हमेशा कॉन्ट्रडक्शन फेस करते हैं, जो कुछ भी करते हैं ऐसा कुछ नहीं है, उनको केवल सेविंग का बारे में बताया जा रहा है और कुछ का बारे में नहीं है। वैसे ही इस जरा जनरेशन बहुत टैलेंटेड भी है, और बट पैसेज में ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं है, अपना मन से हम कुछ भी नहीं मार सकते। ऑप्शन नंबर डी, मिलेनियल डीलिंग जो यंग जनरेशन वो डील करते हैं वो फैक्ट का साथ, क्या होता है ना जो 20 साल हो जाते हैं पैसा कमाते हैं, बट हर एक पैसा जो बोलते हैं ना प्रॉब्लम विथ हर सिंगल डॉलर, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम होता है, वो अपना प्रायोरिटीज पे खर्चा करते हैं बट फ्यूचर का बारे में थोड़ा कम सोचते हैं, भले उनको पता है अगर नहीं सेविंग करेंगे तो उनको दिक्कत होगा। नेक्स्ट लास्ट वाला, यंग जनरेशन गॉट टू कंटेंट विद द फैक्ट दैट दे आर बींग बोथ फुल्ली अवर, उनको पूरा पता है अब सेविंग मनी, ऐसा कुछ नहीं है, उनको पता नहीं है तब ऐसा पैसेज लिखा गया, आप प्रायोरिटी में खर्चा करते हैं बट जो जरूरत है उसका ऊपर उतना खर्चा नहीं करते, इसी का बारे में बताया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू एज पर द पैसेज, इनमें से कौन सा ट्रू है, मैं सारे बोल देता हूँ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। सर यहाँ पे जो लिखा गया पर्टिकुलरली क्या लिखा गया ना, पहला वाला लिखा गया ये लोग फिनेंशियल प्लानर आर्गू करते हैं कि जो यंग जनरेशन है वो रियलाइज नहीं करते हैं कि पैसा क्या सेव करना जरूरी है, मतलब ये सही है, पहला वाला तो सही है, बिना पढ़ के मार देंगे क्योंकि हम स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ में वही चीज़ पढ़े थे, उनको समझ में नहीं आता है कि सेविंग करना जरूरी है, तो इसीलिए ये वाला तो सही है क्योंकि पैसेज में दिया गया, इसको दोबारा पढ़ना जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा गया मिलियंस हैव इंक्रीज देयर सेविंग्स, इसका मतलब वो अपना सेविंग बढ़ा रहे हैं, चलो देख लेते हैं पैसेज में है कि नहीं है ना, व्हाइल दे आर डूइंग गुड जॉब, क्या गुड जॉब करते हैं, दे हैव इंक्रीज्ड देयर सेविंग्स, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया, इसीलिए ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, जस्ट सेकेंड वाला पैराग्राफ में आपको दिया गया ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब चलते हैं तीसरा सेंटेंस ना, यंगस्टर जो होते हैं, यंग जनरेशन जो होते हैं वो स्पेंड करते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ देयर मंथली इनकम पेइंग हाउस रेंट, ये लिखा कि नहीं लिखा देख लेते हैं, कब हाउस रेंट के लिए ज़्यादा पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं, चलिए देखते हैं, सिग्निफिकेंट अमाउंट मतलब एक बड़ा अमाउंट जिसको बोलते हैं, चलिए देख लेते हैं पूरा लास्ट तरफ जो पैसेज है वहां पे लिखा है। देखो सर जो यंग जनरेशन है वो अपना 30% सेंड करते हैं लैंडलॉर्ड को देने के लिए, मतलब अपना किराया देने के लिए, इसका मतलब थर्ड वाला भी सही है। यहाँ पे देखो लिखा गया मिलेनियंस जो अपना रेंट देते हैं अपना इनकम का 30% रेंट दे देते हैं, इसका मतलब ये भी सही है। इसका मतलब आंसर क्या होगा ना, आंसर होगा ए बी सी तीनों को तीनों, चलिए देखते हैं ना, आंसर होगा ए तो सही था, बी भी सही है, ज़्यादा से बढ़ा रहे हैं, तीसरा अपना इनकम का बहुत बड़ा अमाउंट वो रेंट देते हैं, ए बी सी तीनों को तीनों सही है, इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा बताओ तो ऑल आर करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया, चलिए प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा सोच समझ के मारेंगे, आप भी थोड़ा सोच समझ के पढ़िए। ये क्वेश्चन नंबर 3 में सर क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, बोल रहा है जो 5 स्टेटमेंट नीचे लिखा है वो पैसेज का हिसाब से आपको मिलाना है, और उसमें कॉन्टेक्चुअली ग्रामेटिकली कौन इनकरेक्ट है, ये बढ़िया चीज़ है और इससे इजी चीज़ दुनिया में नहीं है,
आप आराम से इसको मार सकते हैं, मैं एक एक करके मिला देता हूँ। चलिए पहला वाला ऑप्शन मिलाऊंगा, मैं यहाँ पैसेज ले आया आपका पास, दोबारा जाना नहीं पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू वन कैलकुलेशन, देखो लिखा अकॉर्डिंग टू वन कैलकुलेशन, तो एवरेज 25 इयर्स, यहाँ पे मेरा लिखना थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे इयर्स होना चाहिए, इयर्स ओल्ड, शुड बी सेविंग इतना, ये मेरा प्रिंटिंग मिस्टेक, मैंने टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक कर दिया, शुड बी इतना, देखो इतना लिखा है, ए मंथ ओवर नेक्स्ट 40 इयर्स, देखो ओवर नेक्स्ट 40 इयर्स लिखा, इन ऑर्डर टू, देखो इन ऑर्डर टू रिटायर, देखो रिटायर एट 65 विथ, देखो विथ, ये सारे जो भी हैं ये सारे समान है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें एरर कुछ नहीं है। नेक्स्ट वाला चलते हैं, बी ऑप्शन में जो लिखा आपका, बी ऑप्शन में क्या लिखा ना, देखो लिखा गया फिनेंशियल प्लानर कैन हॉप एंड पॉप, यहाँ पे देखो लिखा पॉप एंड हॉप, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको चुनना पड़ेगा इनमें से कौन सा ऐसा आंसर है जो पैराग्राफ से नहीं मैच कर रहा, इसी हिसाब से इसका एक्चुअली मतलब होता है पता है, पॉप एंड पॉप इसका मतलब होता है डिसअप्रूवल, उसी सेंस में हम लोग यूज करते हैं। मैंने इस पैटर्न का छोटा छोटा करके पैराग्राफ छोड़ूंगा, ये था आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसेज, एक्सपेक्टेड पैसेज जिसको बोलते हैं, लंबा पैसेज है बट करना तरीका पता होगा तो आप आराम से मार के निकल जाओगे। और आपको अगर क्वेश्चन चाहिए, मैंने गधा मेथड फेसबुक पेज में क्वेश्चन फोटो खींच के छोड़ा हूँ, आप वहाँ से पैसेज देख लीजिएगा फेसबुक पेज में, और जो लोग टेलीग्राम में हैं मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम में छोड़ दिया हूँ इसी पैसेज का। धन्यवाद।